हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक SMD रिमूवल मशीन बनाएंगे। तो कैसे, ये मशीन की मदद से आप किसी भी SMD कंपोनेंट को उसके PCB बोर्ड में से आसानी से निकाल पाओगे। और गाइस, इस मशीन के बेस को हमने खाली कोल्ड ड्रिंक की कैन की मदद से बनाया है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, आप चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ, लेट्स मेक इट। तो फ्रेंड्स यार, ये मशीन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी कुछ इस तरह के खाली कोल्ड ड्रिंक की कैन की। तो आप में से कुछ भाई लोग मुझसे पूछोगे कि पेप्सी या कोको कोला की कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूं। तो गाइस, आप देख सकते हो ये थोड़ी थिक वाली कैन है, मतलब थोड़ी मोटी वाली कैन है। जो पेप्सी कोको कोला की कैन आती है वो थोड़ी पतली रह जाती है। तो आप कोई सी भी कैन इस्तेमाल करो, बस इसको देख लेना उसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा हो। तो अब इसके ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से मैं मार्क कर रहा हूं, क्योंकि इन मार्क होन पे से हम कट करेंगे। पर ये आरी की मदद से अच्छे से कट नहीं रहा है, बस ये थोड़ा सा कट ही लगा पाया हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं कैची घुसाकर उसको वहाँ से फटाफट से कट कर लेता हूँ। तो कैची से ये बढ़िया से कट हो चुका है, तो दोनों तरफ से मैं इसे कट कर लेता हूँ। तो दोनों साइड से कट हो जाने के बाद मैं इसे बीच से भी कट कर लेता हूँ, और हमें इसकी जितनी ज़रूरत है उतना भी हम कट कर लेते हैं। तो इसकी साइड की एजेस खराब है, तो इसे कट करके रिमूव कर लेते हैं। तो गाइस, देखने पे ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से करके इसकी एकदम स्ट्रेट शीट बना लेता हूँ। तो आप देख सकते हो इसकी मैंने एकदम पतली बढ़िया सी शीट बना ली है। अब आपको इसके कुछ इस तरह से साइड की तरफ एक लाइन ड्रॉ करना है, और दूसरी साइड भी लाइन ड्रॉ करना है, और लाइन के ऊपर से गाइस आपको कुछ इस तरह से इसको टेढ़ा कर लेना है। मैं चुग्गे की हेल्प से यहाँ पर कुछ इस तरह से टेढ़ा कर लिया हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर MDF बोर्ड के कुछ इस तरह के छोटे छोटे चार टुकड़े लिए हैं। तो गाइस, ये देखने पे चॉकलेट जैसे नहीं लग रहे? तो अब इस चॉकलेट इस MDF बोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह से आपको मार्क लगा लेना है। तो मार्क लगाने के बाद इस जगह पर से हम होल करेंगे। तो कैची की मदद से इस जगह पर मैंने होल कर लिया है। फिर नेक्स्ट मैंने स्क्रू लिया है और उस होल के अंदर कस दिया है। तो पूरा नहीं कसना है आपको, थोड़ी सी गैप रहने देना है। तो ये प्रोसेस मैंने चारों MDF बोर्ड के टुकड़ों के साथ कर लिया है। फिर हमारी शीट के चारों तरफ आपको कुछ इस तरह का कट लगाना है। फिर उसके बाद उस मेटल को उसी जगह पर बेंड कर देना है। तो इसके कारण ये कोने में हमारा जो स्क्रू है वो बढ़िया से घुस के कसा जाएगा। तो इसी तरह से मैं चारों कोनों में इन्हें कस लेता हूँ। तो गाइस, ये सब करने के बाद आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह के पलंग की तरह दिखने लग गया है। तो अभी रखते हैं इसको साइड में। तो अब हमें जरूरत पड़ेगी हीटिंग एलिमेंट की, तो ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाएगा। फिर इसके बीच में जो पट्टी आती है उसे मैं काट लेता हूँ और इसे अलग कर लेता हूँ। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से अलग भी हो जाता है, बस इसके बीच का जो वायर है उसे आपको टूटने नहीं देना है। तो अब मैं एक फाइबर स्लीव का थोड़ा सा टुकड़ा ले रहा हूँ और उसको बीच में से कुछ इस तरह से कट कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको भी कर लेना है। फिर हमारे हीटिंग एलिमेंट के नीचे की तरफ जहाँ से वायर पास आउट हुआ है वहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इसको लगा देना है। तो अब एक स्क्रू मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो इस जगह पर मैंने पहले ही होल कर लिया था, प्लस बोल्ट भी आपको इसके साथ लगा देना है। तो हमारे हीटिंग एलिमेंट को यहाँ पर फिट करेंगे, तो उसके लिए मैंने कुछ इस तरह का टुकड़ा काटा है उसी कैन में से। तो हीटिंग एलिमेंट को कुछ इस तरह से इसके बीच में मैंने डाल दिया है, और साइड में मैंने नट और बोल्ट दोनों कस लिए हैं, जिससे ये हमारी जो प्लेट है लोहे की वो यहाँ पर फिट हो जाए। नट बोल्ट को मैं टाइट कर लेता हूँ, और देख सकते हो फ्रेंड्स ये एकदम यहाँ पर फंस चुकी है और एकदम बढ़िया से फिट हो चुकी है। तो अब मैंने एक MDF बोर्ड का पीस लिया है और इसकी मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अब मैंने उसकी चारों लेग्स पर फेविकॉल लगा लिया है, और लगाने के बाद हमारे MDF बोर्ड के ऊपर उसको चिपका दिया है। तो इसको अब सूखने देते हैं। तो ये जब तक सूख रहा है जब तक मैं एक स्विच के लिए एक केस बना लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमने इसे बना लिया है। तो अब मैंने एक पिन लिए और उसके अंदर मैंने ऑलरेडी थोड़ा वायर कनेक्ट कर लिया है। तो इन वायर्स को मैं हीटिंग एलिमेंट के साथ कनेक्ट करूंगा। तो हीटिंग एलिमेंट्स के जो एक्स्ट्रा थोड़े वायर है वो पहले कट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने से पहले इसके बीच में मैं हीट सिंक लगा रहा हूँ, आप इसकी जगह टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं दोनों वायर को फटाफट से ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये वायर हिले डुले नहीं, इसलिए इसको मैं यहाँ पर सुपर ग्लू की मदद से चिपका दे रहा हूँ। फिर दोनों में से आपको एक रेंडमली वायर को बीच में से कुछ इस तरह से कट कर लेना है और उसको स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है।
तो कनेक्ट हो जाने के बाद स्विच को हम यहाँ पर चिपका लेते हैं सुपर ग्लू की मदद से। तो बस चिपकाने के बाद हमारी मशीन रेडी हो चुकी है। सो करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो फटाफट से पिन को स्विच में लगा देते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं। तो ये करने के बाद थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा ताकि ये गर्म हो सके। तो आप देख सकते हो इसमें से स्मोक भी निकल रहा है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है, शुरू शुरू में निकलता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक SMD LED प्लेट ली है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से प्रेशर दिया है जिससे इस मशीन के अंदर की हीट इस प्लेट के अंदर आ जाए। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद आप इसकी जो भी इसके ऊपर LED ऑन लगी है वो निकाल पाओगे। देखिए गाइस कितनी आसानी से ये LED को निकाल रहा है। तो इसके बाद हम PCB बोर्ड को भी इसके ऊपर रख कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक PCB बोर्ड लिया है, तो इसको फटाफट से इसके ऊपर रखते हैं। तो रखने के बाद थोड़ी देर इसमें भी वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसके कंपोनेंट शायद निकल जाए। तो देख सकते हो गाइस इसके जो भी कंपोनेंट है वो हम इजीली निकाल पा रहे हैं। और गाइस ये कोई SMD PCB बोर्ड नहीं है, जब भी हम आसानी से इसके कंपोनेंट निकाल पा रहे हैं गाइस यार इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। और गाइस यार आगे भी आपको इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और आपका जो भी ओपिनियन हो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, बाय।